हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन में एक सेट आया था एसबीआई पीओ मेंस में, सभी को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, तो आज मैं वो सेट आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो सेशन को शुरू करने से पहले बता दूँ कि मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड मैं बैंक एग्जाम स्टडी पे पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और IBPS PO मेगा प्रिपरेशन सीरीज हमारा जो YouTube चैनल पे भी चल रहा है, IBPS PO मेगा प्रेप सीरीज जो चल रहा है इसको प्लीज फॉलो कीजिए। ये 9 वीक्स का प्लान है, रोज मैं वीडियोस डाल रहा हूँ एंड इसका एक प्रॉपर कोर्स डाला है मैंने, जिसमें हमने PDF स्टडी मटेरियल क्विजेज सब कुछ है, डाउट क्लियरिंग सेशंस, तो उसको प्लीज ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देयर आर 3 शॉप्स A, B, C, in which sells different articles, namely 1, 2, 3, 4, and 5 respectively. The discount offered by each shops on different articles is given in the table. तो ध्यान से देखिए, ज्यादा कुछ information दिया नहीं हुआ, right? एक MRP है, right? यही इतना छोटा सा set था बस ये। देखने में तो लगता है कि कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं एक बता दूं कि MRP का कॉन्सेप्ट वैसे तो आपको पता होगा लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस माइनस डिस्काउंट। कभी भी आप किसी मेडिसिन शॉप में या किसी राशन की दुकान में सामान लेने जाते हैं तो MRP में कुछ डिस्काउंट देते हैं, वो माइनस कर दें तो आपका सेलिंग प्राइस या SP या सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा। तो ये एक बेसिक फंडा है। यहाँ पे डिस्काउंट रेट दिया हुआ है जैसे 26%, 28%, 34%। तो यहाँ पे आप कह लीजिए MRP में से ये 26% ये दिया हुआ है। और यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन निकालना है तो हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, या तो MRP एज्यूम कर लीजिए या सेल प्राइस, कुछ ना कुछ एक बेस आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं क्या यहाँ पे मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली मैं MRP जो है वो सबका सेम है। तो अगर मैं MRP को अज्यूम करके चलूँ, क्योंकि सेलिंग प्राइस सभी शॉप वाले अलग अलग जो इनका प्रोडक्ट है सभी का अलग अलग होगा तो उसको अज्यूम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन MRP जो है इसको अज्यूम करना पॉसिबल है सभी आर्टिकल का। जब भी आप क्वेश्चन निकालें तो उसको अगर 100 अज्यूम कर लेते हैं, और जैसे मान लीजिए ये आपने ए आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन निकालना है तो अगर 26% डिस्काउंट दिया है तो 100 मैंने MRP पकड़ लिया तो यहाँ पे 74 जो है एक वैल्यू है दिमाग में मेरे कि इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए थे, 2-2 मार्क के थे शायद। तो इफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑन ऑल द शॉप्स is 4293. Find the selling price of the article 1 in the shop B. अभी बहुत सिंपल है, अभी ये जो हमारा आर्टिकल 1 है इसका एवरेज प्राइस दे दिया, ये आर्टिकल 1 है इसका एवरेज प्राइस हमें दे दिया। हमें ये पता है कि डिस्काउंट कितना मिलता है, हमें डिस्काउंट का पता है कि यहाँ पे जो MRP से अगर माइनस कर दे डिस्काउंट, अगर मान ले कि MRP 100 रुपये है, मान ले 100 रुपये है, अगर 100 रुपये MRP है तो शॉप ए है वो प्रोडक्ट, ये जो हमारा पहला प्रोडक्ट है इसको कितने में देगी, 100 माइनस 26 ये मैंने करके रखा हुआ है तो ये हमारा आ जाएगा 74। सिमिलरली जो बी है वो कितने में देगी, शॉप बी हमारी है 100 माइनस 28 72। सिमिलरली जो सी है 100 माइनस 34 तो ये हमें देगी 66 में, तो टोटल कीजिए इसका, तो ये हमारा टोटल डिस्काउंट है। अभी इन्होंने दिया हुआ है कि इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इन्होंने एवरेज सेलिंग प्राइस दे दिया, अभी एवरेज सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली हम एवरेज डिस्काउंट का भी एवरेज निकालेंगे। अभी एवरेज हमें दे दिया है कि मान लीजिए कि पहली जो शॉप ए है वो 4000 में बेच रही है, शॉप बी कुछ 4200 में बेच रही है, शॉप सी 4400 में बेच रही है, तो इन सबका एवरेज जो है 4200 आ गया, राइट? तो यहाँ पे वो सेम चीज इंप्लीमेंट हो रही है। अभी एवरेज हमारा आ गया, राइट? इसका अभी हम टोटल निकालते हैं तो हमारा टोटल बनेगा यहाँ पे 6 4 10 और 2 12 और 7 7 14 6 20 और 1 212।
टोटल 212 को डिवाइड करें 3 से, हमें एवरेज डिस्काउंट चाहिए। इन्होंने हमें बोला है कि एवरेज सेलिंग प्राइस ऑन ऑल द शॉप्स, एवरेज सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया। ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस है, अगर ये एवरेज दिया हुआ है तो हमें डिस्काउंट भी एवरेज निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस अगर एवरेज है तो एवरेज डिस्काउंट निकालेंगे तभी हमारे पास एमआरपी आएगा, राइट। तो उसके बाद जो हमारे पास एमआरपी आ जाएगा एक बार, तो उसके बाद तो हम किसी का भी यहाँ पे एक अपना क्या कहते हैं, कितने 100 रुपये हमारा एमआरपी ही आ गया, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि किसका कितना, कितने में कौन सी शॉप कितने में सामान बेच रही है। तो 212 हमारे पास आ चुका है, तो 212 को डिवाइड कर दें 3 से, तो हमारा आ जाएगा सीधा सीधा 3 × 7 = 21 और 0 और 2 के बाद अपना आ जाएगा 70.4%। थोड़ा सा नियर अबाउट करके चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कहेंगे कि सर SBI PO मेंस जैसे एग्जाम में एस्टीमेशन वगैरह नहीं चलता। चलता है, थोड़ा सा एक्यूरेसी ज़्यादा रखनी पड़ती है और कुछ नहीं है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, टाइम काफ़ी दिया हुआ है, तो ये 5-7 मिनट वाला नहीं है, इसको 10-12 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को। तो 70.4 जो है वो हमारा एवरेज डिस्काउंट हमारे पास आ चुका है, एमआरपी है हमारे पास, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये देखिए 4293 है, ये हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस है, और ये हमारा एवरेज क्या कहते हैं डिस्काउंट आ गया, एवरेज डिस्काउंट आ चुका है। और अभी अगर मेरे को शॉप बी का प्राइस पता करना है, शॉप बी में कितने में बिकता है, शॉप बी का डिस्काउंट देखिए, शॉप बी में 78 का अगर बिकता है तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 72%। तो यहां पे देखिए कि 72% हो जाता है तो 4293 एवरेज है, राइट, सेलिंग प्राइस एवरेज सेलिंग प्राइस है, और एवरेज जो कह लीजिए एवरेज सेलिंग प्राइस 4293 है, एवरेज डिस्काउंट है हमारे पास वो है हमारे पास 70.4%, इसको छोड़िए एक सेकंड, और जो बी को डिस्काउंट एवरेज सेलिंग प्राइस ये रहा, और जो डिस्काउंट यहां पे था 70.4 था तो इसका डिस्काउंट था 29.6%, ये डिस्काउंट था, और ये क्या कहते हैं इसका सेलिंग प्राइस था, ये एमआरपी का 70.4% है, ये जो सेलिंग प्राइस है ये एमआरपी का 70.4% है, और जो बी है और इतना डिस्काउंट दिया हुआ है और ये एमआरपी का 70.4% है, और जो बी है वो डिस्काउंट देता है 28%। तो बी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, बी का सेलिंग प्राइस होगा 72% इसका सेलिंग प्राइस होगा एमआरपी का, एमआरपी का, और बाकी का 28% जो है इसका हो जाएगा डिस्काउंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप कह लीजिए क्वेश्चन है एक्चुअल में, लेकिन इसको ध्यान से देखने वाली बात है। एवरेज हमारे पास सेलिंग प्राइस है दिया हुआ है ऑलरेडी, और एवरेज डिस्काउंट जो है इन्होंने हमें पहले बता दिया, और एवरेज हमारे तीनों का हमारे पास अवेलेबल था, शॉप ए बी सी हम कितना कितना डिस्काउंट देते हैं, तो 26, 28 और 34 इसका एवरेज निकाल लीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा 29.6, और इससे हमें पता चल जाता है 29.6 अगर हमारा डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 70.4, 100 रुपये का चीज 70.4 में बेच रहा है, जबकि बी है ये 72 रुपये में बेच रहा है। अगर बी का मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, 4293 एवरेज 4293 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं करूंगा 72 जो है उसको ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि बी जो है ये कम डिस्काउंट दे रहा है, और 70.4 इसको नीचे ले जाऊंगा। अभी यहां पे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इंस्टेड मैं क्या करूंगा कि इसको देखिए, ऊपर 72 है, नीचे 70.4 है, चलिए एक पॉइंट तो निकाल दीजिए, 704 720 हो गया। अभी ध्यान से देखिए, क्या मैं 720
डिवाइडेड बाय 704 कर सकता हूं? जी हाँ, 700 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अभी ध्यान से देखिए, 720 और हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए, 1 point something, 2 या 3 कुछ ऐसा नंबर चाहिए, राइट। अभी 700 का 1% कितना होता है? 7, 2% 14। अभी 704 से 720 में 16 का डिफरेंस है, तो ये तकरीबन तकरीबन 2% ऊपर है। 704 से 720 2% ऊपर है, ये मैंने देखी, आपको बताया ना, 700 का 1% जो है, 1% है ये 7, इसका 2% जो हो गया 14। और अपने को चाहिए कितना? 704 से 720 तक अगर मेरे को जाना है तो मेरे को 16 के तकरीबन चाहिए, तो 2% तकरीबन तकरीबन मेरे को ज्यादा चाहिए, राइट। सो 4293 का 2% मेरे को ऊपर लेकर जाना है। अभी देखिए, जो आंसर है वो 4293 से 2% ऊपर है। अभी 4293 हमारे पास अवेलेबल है, इसका 1% कितना होगा? 43, 1, 2, और फिर से 2% 1% ऊपर और लेकर जाऊंगा, 43। अभी देख लीजिए, 4293 में मेरे को 86 ऐड करने हैं, तो 4293 में मेरे को 86 ऐड करने हैं तकरीबन तकरीबन। मैं ज्यादा पूरा एग्जैक्टली आंसर पे मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्टली ऑप्शंस आई थी, मेरा आंसर जो है तकरीबन तकरीबन, अगर मैं कहूँ 90 ऐड करूंगा 4300, मेरा आंसर तकरीबन तकरीबन कह लीजिए भी 4390 के तकरीबन तैयार, 4385 इतना का तकरीबन तकरीबन मेरा आंसर, इसके आसपास अगर होता तो मैं टिक कर देता 4380-85 इतना, ठीक है। बाकी हमने थोड़ा सा एस्टिमेशन यहाँ पे लिया था, अगर ये आंसर 5-5 का डिफरेंस होता तो फिर तो मैं सोचता भी कि यार मैं पूरा घुस के इसको सॉल्व करूं, लेकिन देखिए ये एक्चुअल एग्जाम्स में से मैंने ऑप्शंस उठाई हैं, ये तो बहुत दूर हो गया, ये तो इसको तो रिमूव कर दीजिए, ये तो बहुत दूर है इसको भी रिमूव कीजिए, ये तो अपना ये भी बहुत दूर चले गया, ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था और यहाँ पे थोड़ा हो सकता है 4500 वाला भी दूर चले गए। अभी ध्यान से देखिए, इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं हो सकता ना, देखिए सबसे पास कौन सा है, सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंस है जो मैंने पूरा एग्जैक्टली निकाला, तो मैं इसको टिक करके मैं आंसर घर आ जाता, तो ये मेरा आंसर है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बहुत इसमें ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन करने बैठ के तो बहुत कुछ है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह लीजिए इससे डिफिकल्ट था, सेकंड क्वेश्चन डिफिकल्ट था, पहला सिंपल था, तीन क्वेश्चन थे, पहला सिंपल था, तीसरा सिंपल था, दूसरे में थोड़ा घुमाने वाली बात थी। इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप टू, इफ ऑफ आर्टिकल टू इन शॉप ए एंड बी इज 3608। अब ध्यान से देखिए, शॉप ए एंड बी है, ये आर्टिकल टू की बात कर रहे हैं, शॉप ए एंड बी, अभी बी का तो वैल्यू ही दिया ही नहीं हुआ, बट इसका आंसर दिया हुआ, इसका इन्होंने बताया हुआ कि इतने का एवरेज है, शॉप ए और बी का बता दिया और फिर बी और सी का बता दिया और इसका इन्होंने एवरेज बता दिया, तो बोल रहे हैं कि बी फाइंड करना है। सुनने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, डिफिकल्ट एक्चुअल में है भी नहीं है, ये इक्वेशन से सॉल्व होना है क्वेश्चन। अभी इसको ध्यान से देखिए, अभी अगर आपने एवरेज निकालना है, आपको एवरेज का थोड़ा सा फंडा थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। अभी मान लीजिए कि जो एमआरपी है वो दिया तो हुआ नहीं है हमें, तो एमआरपी को आप मान लीजिए कि एमआरपी है वो, उसको आप एक्स मान के चलिए, एमआरपी मेरा एक्स है, तो एक्स आ गया यहां पे जी। अभी मैं पहली इसकी बात कर रहा हूं, ए एंड बी इसका एवरेज, इसकी बात कर रहा हूं, फिर मैं इसकी बात करूंगा जो बी एंड सी की बात कर रहे हैं। अभी शॉप ए है, ये कितना डिस्काउंट देती है? 14%, राइट। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? तो इसका हो गया 86% तकरीबन, राइट, 86%। बी का दिया ही नहीं हुआ जी, 86% प्लस बी का दिया ही नहीं हुआ। अभी परसेंट में है 100 और एवरेज निकालना है, दो वैल्यूज हैं तो नीचे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, तो बस इतनी सी बात है, इसकी वैल्यू उन्होंने 3608 दी हुई है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, राइट, एक्स इसको अलग कर लें, 86 है तो ये हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 100 प्लस बी डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 3608। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 43/100x, ये इक्वेशन सॉल्व करने का आपका अपना तरीका हो सकता है। ये देखिए, मेन तो बस ये इक्वेशन है, पूरे 2 मार्क आपको ये इक्वेशन बनाने के मिलने हैं, ये इक्वेशन जिसने बना ली उसका क्वेश्चन तो हो गया, बस इतनी इक्वेशन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस
Vx divided by 200 is equal to 3608. अभी यहां पे देखिए, ये इक्वेशन तो चलिए यहां तक मैंने पूरी डीपली घुस के मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। जो दूसरी इक्वेशन है वो भी सेम है, उसमें बस इतनी सी बात है x यहां पे 86 की जगह पे बस होगा b और c है, c का 28% है जी, तो 28% को अगर कन्वर्ट करता हूं मैं, 100 माइनस 28 करता हूं तो मेरा तकरीबन 72 निकलता है। अभी यहां पे 72 प्लस b का दिया ही नहीं हुआ जी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये बिल्कुल सेम है। पेपर में अगर मैं होता तो ये तो मैं करता ही नहीं, सीधा ही मैं यहीं पे आ जाता, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये 3300 दिया हुआ है राइट, तो वही सिंपल तरीके से जैसे मैंने इसको सॉल्व किया मैंने इसको सॉल्व कर देना है। यहां पे आ जाएगा अपना 36 डिवाइडेड बाय 100 प्लस बी ओवर 200। तो सिंपल तरीके से ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशंस और ये वाली इक्वेशन, वो जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी होगी अगर, ये उसका मैंने अभी तक चैप्टर करवाया नहीं है, लेकिन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये डेटा इंटरप्रिटेशन में ले आए हैं। ये दोनों इक्वेशंस को मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं, इसकी वैल्यू हो गई है 36 ओवर 100 एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 3300। अभी क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। माइनस लगाइए, ये तो बिल्कुल कट गया और ये रह गया 7 ओवर 100 एक्स इज इक्वल टू 308। अभी x की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी, अभी देखिए 308 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 7 4s are 28 और दो बचा, फिर 7 4s are 28 तो अपना आंसर आ गया 4400। ये हमारे पास एमआरपी आ गया, लेकिन आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, 4400 हमारे पास एमआरपी आ गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि देन द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय शॉप बी, पहले आपको ये बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू कुछ आपके पास आएगी 70 75 80 जितनी भी आएगी, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्या कहते हैं उसका डिस्काउंट जो आपके पास मिल जाएगा, फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एमआरपी से। अभी ये 4400 एक्स की वैल्यू को आप कहीं पे भी फिट कर दीजिए, अभी यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी तो इसलिए ऑब्वियसली मैं 3300 वाले में कैलकुलेशन ऑब्वियसली सिंपल हो जाएगी, क्योंकि 4400 और 3300 आराम से कटेंगे, तो मैं सिंपली ये वाली इक्वेशन पकड़ लेता हूं, ये थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो रखी है, तो मैं ये वाली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है मेरे पास, इसको मैं यहां पे सिंपली पुट कर देता हूं। तो अगले पेज पे मेरे को जाना पड़ेगा एक बार, एक्स की वैल्यू थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, एक्स देखना पड़ेगा मेरे को, एक्स कितना था 36 ओवर 100। मैं आपको बता दूं मेरी मेमोरी बहुत बहुत वीक है, मेरे को बहुत सारे लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं, जो बहुत सारी मेरे को स्कूल टाइम से मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी मेमोरी वीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट ये लॉजिक यूज करता हूं शुरू से, मुझे फॉर्मूलाज खुद ही याद नहीं होते हैं, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मुझे फॉर्मूला शॉर्टकट टेक्निक्स ये जो बहुत टीचर्स ज्ञान देते हैं तो इतनी सारी मेरे से तो याद नहीं होती थी, तो इसलिए मैं अपने जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेमोरी वीक है उनको मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने अपना सॉल्यूशन ढूंढ लिया भी कैसे मैं मेमोरी वीक होने के बाद भी मैं एग्जाम्स क्लियर कर पा रहा हूँ, मेरी जीके मैंने ठीक करी, तो मैं वो सब कुछ आपको सिखा रहा हूं और सीखिए। तो x की वैल्यू 4400 मेरे पास आ चुकी है, 36 डिवाइडेड बाय यहां पे था, यस 36 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास गिवन था, ये मैंने कुछ नहीं किया, पिछली जो निकाल लिया था हमने बस उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को 3-4 लाइन में लिख के सॉल्व करना ही सही रहेगा, अगर आप इतना स्टेप अगर पेपर में करेंगे तो फिर तो हो गया, फिर तो पेपर नहीं होगा आपसे। b डिवाइडेड बाय 200 और 4400 को मैं इधर ले जाऊंगा, 3300 डिवाइडेड बाय 4400 और ये 11 के टेबल से कट रहे हैं बिल्कुल, 3 ओवर 4 1100 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 100 से कर लीजिए फिर आप क्या कहते हैं 11 से कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ b की वैल्यू रह गई है,
एज सिंपल एज इट इज. अभी तो बहुत सिंपली आप कह सकते हैं कि बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं, अभी तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है. सेवेंटी टू फोर जा 72 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 144 आ जाएंगे, फिर 2 से करूंगा 288 आ जाएंगे. आपको फैक्ट वाली बात ये बताता हूँ कि टेबल ज्यादा मैंने भी याद करने मेरे को मुश्किल कई बार लग जाते हैं. 72 का टेबल कौन याद करेगा बताइए, कौन करेगा? अभी मेरे को 72 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. मेरे को पता है 72 मल्टीप्लाई बाय 2 144 होता है, ये मेरे को पता है. 144 को मैं फिर से डबल कर दूंगा तो 288 आ गया. तो मैं क्यों 72 का टेबल याद करूँ, ज़रूरत ही नहीं है. प्लस 4b इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे 600. अभी देखिए, अभी यहाँ पे इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आएगा 600 माइनस 288 312, और b की वैल्यू अपनी आ जाएगी 4 7 28, 3 2 4 8. अभी b का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास आ चुका है 78. अगर सेलिंग प्राइस है तो 100 में से 78 निकालेंगे तो 22% जो है वो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है. अभी वो कहता है कि बी की डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो हमें बताइए. अभी सिंपल ये है ना, 4400 हम अपने पास आया हुआ है, 4400 तो अपने पास है, 4400 का 22% भाई निकालना है आपने. 4400 का 22% निकालिए कितना होता है, तो वो आपका जी आंसर है. तो यहाँ पे भी वही मैं करूँगा जी, आपको जो मेरा सिंपल आपने फ्रैक्शन का अपने टेक्निक का ये वीडियो मैं एक्चुअली बनाने वाला हूँ, मंडे को बनाऊंगा. अब इसका 4400 का 10% कितना होता है जी, इसका 10% जो है ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ सिर्फ. 10% कितना हो गया जी 440, 20% कितना हो गया जी 880, तो 2% कितना होगा जी इसका, 1% 44 है, फिर से 44 है. तो देख लीजिए, 8 यहाँ पे, 4 चौके 16, 8 1 9, 968 मेरा आंसर आ गया जी, एज सिंपल एज इट इज. इस क्वेश्चन को करने के लिए लोगों ने इतना दिमाग अपना हिलाया, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला पता नहीं क्या क्या किया, फिर भी नहीं हुआ. तो देखा जाए तो इसमें था क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी. मैं आपको ये इतने बड़े बड़े स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर जिस बंदे ने, अगर मुझे खुद से करना होता या किसी अच्छे स्टूडेंट ने करना होता, तो उसके पास ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको मात्र 25 30 सेकेंड लगते, 30 35 सेकेंड, 2 मिनट में आपका पूरा टेबल आपको समझ में आ जाता है कि ये फंडा है. तो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ 50 1 मिनट से पहले पहले, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 25 30 सेकंड चाहिए, और ये सॉल्व करने के लिए 1 से 2 मिनट. देखिए, ये सॉल्व कर दिया मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी सॉल्व कर दी, तो मेरे को एक्स की वैल्यू पता चल गई. एक्स की वैल्यू पता चल गई तो यार ये एक्स की वैल्यू मैंने उठा के इस पे भर दी, यहाँ पे किसी में भी भर दो. मैंने ये भरी है, यहाँ भरी है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी है तो 3608 वाले में भर दो. तो ये आपकी विषय है कि आप ये एक्स की वैल्यू कहाँ भरना चाहते हो. एक्स की वैल्यू भर दोगे तो ये देखो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे दो ही तो वेरिएबल है, एक्स है और बी है. और ये क्वेश्चन करने का मैंने एक तरीका बताया, इस क्वेश्चन को आप 4 तरीकों से कर सकते हो, 5 तरीकों से कर सकते हो, ये आप पे है. अब ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं खुद करता हूँ, वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ. तो ये करने का तरीका है, आप किसी और से सीख लीजिए, टीचर से, वो किसी और ही तरीके से घुमा के आपको बताएगा, एक एक कैलकुलेशन करेगा. मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन करने में ज्यादा यकीन करता नहीं हूँ, कोई फायदा नहीं है उसका. इफ अ न्यू शॉप डी कम नाउ, नई शॉप आ गई है जी एक डी, एंड स्टार्टेड सेलिंग आर्टिकल 3 विद सम परसेंट डिस्काउंट, हुज अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय शॉप सी. अभी इस ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को अगर आप पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम करते हैं. आप अगर इस क्वेश्चन को पार्ट्स में समझेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा. अगर आप पूरा क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे आप घूम जाएंगे. थोड़ा इसको पार्ट्स में लें. एक नई शॉप बन गई है जी, ठीक है, स्टोरी की तरह ले, एक नई शॉप बन गई, ठीक है, बन गई जी, एंड उसने आर्टिकल 3 बेचना शुरू कर दिया. चलिए आर्टिकल 3 के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा. आर्टिकल 3 था जो, आर्टिकल 3 है यहाँ पे, आर्टिकल 3 ये रहा, आर्टिकल 3 ये आर्टिकल 3 बेचने लग गया. आर्टिकल 3 के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, खाली शॉप बी का मैं पता है, ठीक है, ये आर्टिकल 3 बेचने लग गया, ठीक है, ये आर्टिकल 3 बेचने लग गया. कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, डी कोई शॉप है, ये कुछ आर्टिकल 3 बेच रहा है जिसके बारे में मैं कुछ पता ही नहीं है, चलिए छोड़िए.
ये पॉइंट पढ़िए, विद सम परसेंट डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट दे रहा है, हुज अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय शॉप सी। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन में शायद डायरेक्शन में मैं भूल छूट गया या कुछ ऐसा है। एमआरपी सारा सेम रहता है, अगर प्रोडक्ट वन है उसका एमआरपी सभी दुकानों पे सेम है, वो अपना अपना डिस्काउंट दे रहे हैं, एमआरपी सब जगह सेम है। तो ये आर्टिकल थ्री है, इस पे कुछ डिस्काउंट दिया गया है, और ये जो डिस्काउंट है वो इक्वल है जो शॉप सी है वो देती है आर्टिकल टू पे। आर्टिकल टू पे शॉप सी कितना डिस्काउंट देती है पहले ये देख लेते हैं। आर्टिकल टू पे शॉप सी डिस्काउंट देती है जी 28%, ये ही इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। सी शॉप 28% डिस्काउंट देती है अपने सेकेंड प्रोडक्ट पे, ये प्रोडक्ट टू पे। गिवन दैट मार्क प्राइस डिसाइडेड बाय शॉप डी इज 66.66% मोर देन बाय शॉप सी। अभी शॉप सी का जो एमआरपी था वो था जी 28, मैं इसको रुपए ही मान लेता हूँ, 28 रुपये डिस्काउंट है जी। एमआरपी शॉप सी का 100 रुपये है, डिस्काउंट है जी इसका, डिस्काउंट 28 रुपये है। अभी ये जो शॉप डी है इसका जो एमआरपी है प्रोडक्ट का, ये 66.66% ज्यादा है। तो मान लीजिए 100% प्लस 66/3 इतना है, ये इसका एमआरपी है। और डिस्काउंट ये जो दे रहा है उसकी अमाउंट जो है वो सेम है, हमने तो 100 रुपये मान लिया था, सी का जो एमआरपी 100 रुपये है और वो 28 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, तो ये डिस्काउंट दे रहा है 28 रुपये यहाँ पे। इसका और इसका ये जो डिस्काउंट है, इसका और इसका डिस्काउंट सेम है। अभी निकालना है आपने कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभी आपने निकालना है 28/166/3, ये आपने सॉल्व करना है, और इसके आपको 2 मार्क मिलने थे, ये आप कीजिए सॉल्व। आपको मैं कैलकुलेशन की टेक्निक 2-3 बार बता चुका हूं ऑलरेडी कि कैसे करनी है, ये आपका आप टेस्ट समझिए, ये आपका टेस्ट है कि कैसे आपको ये कैलकुलेशन करनी है। पेन थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, एक ही लाइन, लेकिन ज्यादा वो मनसल लेके ये वो करके वो मल्टीप्लाई ना करें। अभी कोशिश करें, वीडियो को मैं पॉज करें एक बार और कोशिश करें ये कैलकुलेशन खुद करने की। ये आप अभी खुद करेंगे, वीडियो पॉज करें और ये कैलकुलेशन पहले खुद करने की कोशिश करें, नहीं होती तो दोबारा वीडियो को प्ले करें। तो अभी मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा विद इन 10 सेकेंड्स। तो इसका क्या है, 28, अभी 166/2/3 ऐसा कुछ है, 166/2/3। तो अगर मैं सीधा सीधा अगर देखूं 500/3, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बताइए क्या है। अगर मेरे को थोड़ा सा सिंपलीफाइड फॉर्म में लेकर आना है 500 की, अगर आपने फ्रैक्शंस करे हुए हैं तो ये छोटे छोटे फ्रैक्शंस आपको दिमाग में आपके फंस जाते हैं, आप कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यस इसको यार मेरे को ये 3 निकालना है, ये मेरे को 3 यहां से उड़ाना है, तो कैसे निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई ही करेंगे ना, आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा आप कह लीजिए कि इसको सॉल्व कर दिया है, 166 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर 2 प्लस कर लें चाहे, लेकिन अगर दिमाग में थोड़ा सोच के देखें कि भाई ये कितना को होगा, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बिना पेंसिल के, बिना पेन के आप कर सकते हैं 166/2/3, इसको आप बिना पेन के करें कोशिश तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं कि भाई ये मेरा तकरीबन ही एग्जैक्टली इतना आपका आपको पता होना चाहिए यहाँ तक 28। यहाँ से तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है, 500/3 और फिर से मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये 100 मैं यहाँ से काट देता हूँ। अभी 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 90-6, ये देखिए कई बार 28 का टेबल मुझे भी याद नहीं है, मैं आपको बोल तो देता हूँ 40 का टेबल याद कर ले, लेकिन कई बार नहीं याद रहता ना पेपर में, तो सिंपली मेरे को 28/3 करना था, मतलब तो मैंने 30/3 करके उसमें से 6 माइनस कर दिया, तो
दिमाग नहीं हो जाता है, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप टेबल याद कीजिए, ज़रूरी है ये। मेरी थोड़ी मेमोरी की प्रॉब्लम है, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, मतलब एक्चुअल में वीक है। अगर आपकी थोड़ी स्ट्रांग है तो भगवान ने आपको अगर मेमोरी दी है तो उसका इस्तेमाल करें, क्यों मतलब हमारे जैसे लोगों जैसे मत बने। अभी ये आपको बस सिंपली डिवाइड करना है, तो या इसका आंसर कितना आएगा, तकरीबन तकरीबन 16.89 से लेके हाँ इतना का आ जाएगा, 16 पॉइंट कह लीजिए, हाँ 16.8% आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो ऑप्शंस थी उसमें 16.8 नहीं था, 17% था। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका 16, हाँ 16.8 था आई थिंक ऑप्शन, तो ये आपका 16.8% आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ लोगों ने अजीब से तरीकों से निकाला हुआ है, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। आप खुद बताइए क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई गलती दिख रही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कमेंट्स में बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, लेकिन ये सही है। मैंने और भी अपने कुछ टीचर से मैंने वेरीफाई भी किया है, तो बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा कह लीजिए SBIPO मेंस लेवल का एक क्वेश्चन था, जिसको मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से आपके लिए सॉल्व किया है। थोड़ा मैं रिवाइज कर दूँ आपके लिए, जो पहला क्वेश्चन था उसमें कुछ नहीं था, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सभी जो शॉप्स हैं उसमें 4293 का एक एवरेज प्राइस चल रहा है, तो एवरेज डिस्काउंट कितना है? अगर एवरेज प्राइस निकाल लिया तो एवरेज डिस्काउंट, आपको तीनों शॉप्स का डिस्काउंट दिया, आपने एवरेज डिस्काउंट निकाल लिया, एवरेज प्राइस निकाल लिया, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालना कितना डिफिकल्ट रह जाता है। आपको तीनों शॉप्स का, आपको एक हर एक शॉप्स का डिस्काउंट परसेंटेज पता है, तो किसी पर्टिकुलर शॉप का डिस्काउंट निकालना कितना मुश्किल रह जाता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो सिंपली मैंने क्या किया, एवरेज डिस्काउंट निकाल लिया जी, और बी का डिस्काउंट मुझे दिया हुआ है, ये 70.4 जो है ये एवरेज सेलिंग प्राइस है, 70.4 एवरेज सेलिंग प्राइस है, और ये एवरेज सेलिंग प्राइस ये अपने पास है। लेकिन बी का थोड़ा सा जो है MRP वो ज्यादा, क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस है वो इनसे बाकियों से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। वो कितना ज्यादा है, 720 डिवाइडेड बाय 704। ये जो कैलकुलेशन थी इस पे बहुत सारे स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि सर ये बहुत, मतलब इस पे कई लोग 5-5 मिनट लगा देते हैं, आप इस पे 5 मिनट ना लगाएं, आपको एग्जैक्टली देखें कि यार ये 704 से 720 कितना ज़्यादा बढ़ा है। अभी 701% इसको पकड़ के चलें तो तकरीबन 2% ऊपर चले गया ये, राइट, 2% से थोड़ा ज़्यादा कह लें, 1.25% ऊपर चले गया ये। तो आंसर जब आप देखते हैं तो एग्जैक्टली देखिए, थोड़ा सा आपको अगर दूर मिलता भी है, ये एक्चुअल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कहते हैं सर ऑप्शन से बहुत पास पास होते हैं, तो ध्यान से देखिए कितनी पास आए हैं, बहुत दूर है ऑप्शन, तो ये एक्चुअल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कृपया आप ज्यादा टेंशन ना लें कि बहुत पास पास ऑप्शन आएगी, मैं तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन करूंगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कृपया ना करें। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हुई है, जैसे नंबर सीरीज में बोल रहा हूँ, हर एक टाइम एंड वर्क जो पिछला चैप्टर करा था उसमें भी मैंने एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे एक्चुअली अगली एक दो वीडियोस में, एक तो परसेंटेज ट्रिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कवर करने वाला हूँ, जल्दी करूँगा, नेक्स्ट वीक में मैं ये बिल्कुल कवर करूँगा। ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ए और बी का एवरेज प्राइस दिया हुआ है, राइट, तो उसका डिस्काउंट तो अपने पास ए का अवेलेबल है, बी का अवेलेबल नहीं है। जितना आपके पास इंफॉर्मेशन था उसको मैंने, आप कह लीजिए एक बना दिया, एक इक्वेशन बना दिया सिंपल। ये देखिए एक्स अपना MRP था, ये एवरेज प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए कि एक फंडा समझिए, MRP है ये, MRP है, MRP का जो सेलिंग प्राइस है, अगर 20% डिस्काउंट है, 80% ऑब्वियसली अगर 20% डिस्काउंट है तो उसका जो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको, 80 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये तब बात कर रहा हूँ अगर 20% डिस्काउंट है। ये फंडा अगर आपको पता है तो सारे क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है। तो ध्यान से देखें तो मैंने कितनी आसानी से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जी, और उसके बाद सिंपल क्वाड्रेटिक, ये थोड़ा सा लंबा आपके लिए करा है मैंने, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए करा है कि आपको समझ आए। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो था ही बहुत सिंपल, पहला और तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी।
और अभी के लिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन की पिछली वीडियो पहले ज़रूर देख लें, जिस पे मैंने विजुअलाइज्ड ये सारी जो मैंने टेक्निक नहीं बोलूँगा लॉजिक यूज़ किया है कैलकुलेशन करने में, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने पिछले में बार नहीं बताई थी, लेकिन कैलकुलेशन कैसे आप जल्दी कर सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। और ये परसेंटेजेस वाला जो मैंने टेक्निक यूज़ करता हूँ, लॉजिक यूज़ करता हूँ, ये मैं बिल्कुल शेयर करूँगा आपके साथ मंडे को। तो अभी के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन है अगर आप फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाइए, और इनरोल कीजिए IBPSPO मेगा प्रिपरेशन कोर्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन किया और अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं कि मेगा प्रिपरेशन कोर्स में ऐसा पेड कोर्स क्यों है, बिकॉज हम गाइस देखिए, हम चार टीचर्स हम बैठ के आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, आपके लिए क्विजेस बना रहे हैं, स्टडी मटेरियल बना रहे हैं, और मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, आधे पौने घंटे की डेली वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये पूरा तैयार करना पड़ता है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं कई बार। तो दिस इज़ माय जॉब, ये मैं काम कर रहा हूँ, अगर इफ़ वी डू इट फॉर फ्री फॉर एवर तो आपके लिए जैसे मॉक टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल ये सब करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो दैट्स वाई हमें ये कुछ एक पार्ट जो है वो पेड रखना पड़ रहा है, एंड प्लीज़ इसको सप्लीमेंट कीजिए। IBPSPO जो प्रिपरेशन का मेगा कोर्स है, इसको सप्लीमेंट कीजिए अपनी प्रिपरेशन के साथ, ताकि जब आप ये वीडियो देखेंगे, साथ ही में अगर आपको मैं इसके रिलेटेड आपको जो है सेट प्रोवाइड करूँ और उसका फिर सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ, आपको नहीं समझ आ रहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उसका फिर से वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं, आपको वर्कशीट्स मिल रही हैं, आपको PDFs मिल रही हैं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, तो बहुत सारे फीचर्स हैं, मोबाइल में आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप में देख सकते हैं, तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एनरोल कीजिए, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। जैसे आपको पता होगा कि मैं मोस्टली सभी कमेंट्स, सभी प्रोडक्टिव या कभी कभी प्रोडक्टिव नहीं भी होते, मजाक में कई लोग हाई हेलो बोल देते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप स्टक कर गए हैं, आप फंस चुके हैं, आप पिछले 1.5 साल से फेल हो रहे हैं, तो उसका भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ शायद आपकी कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, तो आई विल काउंसल यू, मैं आपसे बात करूंगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली।